नमस्कार दोस्तों, मैं मुस्कान मिश्रा आपका स्वागत करती हूं आपके अपने यूपी लाइव 100 न्यूज चैनल पर। एक नजर डालते हैं खबरों की तरफ। नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी ने कहा, मंदिर के नाम पर चंदा मांगने को लेकर बीजेपी कर रही है राजनीति, जनता को भरोसा दिलाने के लिए सीएम व पीएम लगाएंगे वैक्सीन। खबर चंदौली से है। एक शादी समारोह में शामिल होने चंदौली पहुंचे विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी ने राम मंदिर निर्माण के लिए धन संग्रह और एमएलसी चुनाव पर खुलकर मीडिया के सवालों का जवाब दिया। इसके साथ ही उन्होंने भाजपा पर जमकर कटाक्ष भी किया। नेता प्रतिपक्ष ने राम मंदिर धन संग्रह कार्यक्रम को लेकर बीजेपी पर हमला करते हुए कहा, राम किसी पार्टी के नहीं हैं, राम सबके हैं, ईश्वर सबके होते हैं। सुजीत कुमार चंदौली। संघ के जिला मंत्री दीपक खरे, प्राइम ब्यूरो के कृष्ण राठौर, हिंदुस्तान न्यूज 24 के विनय, लाइव इंडिया के ब्यूरो चीफ राजकुमार दोहरे, दिनेश रायकुवार आदि उपस्थित रहे। जलोन से जिला संवाददाता कृष्ण कुमार कुशवाहा की स्पेशल रिपोर्ट। उसके विषय में हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पहले से ही अपना मत दे चुके हैं। ये वैज्ञानिकों की देन है, डॉक्टरों की देन है, इस पर किसी का विवाद नहीं है। लेकिन कोई अगर पार्टी ये कहे कि हम इसको करा रहे हैं, ये गलत बात है और इसी कारण से इस पर विवाद भी उठ रहे हैं। पूरे दुनिया में जहाँ भी ये कार्यक्रम शुरू हुआ, वहाँ के पहले हेड लोगों ने इसको लगवाया, प्रधानमंत्री, उनके कैबिनेट मंत्री। तो फिर हिंदुस्तान में ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? माननीय प्रधानमंत्री जी को, उनके कैबिनेट के मंत्री लोगों को, स्टेट के माननीय मुख्यमंत्री जी लोगों को, जनता को विश्वास देने के लिए जो एक अफवाह उठी हुई है, हम अफवाह की बात नहीं करते, जो उठी हुई है जिसको आपने कहा, तो लोगों को विश्वास लेने के लिए पहले ऐसा करना चाहिए था। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कहना है कि इसको फ्री में गरीबों को दिया जाए, और हम भी यही कह रहे हैं कि वैक्सीन अगर ठीक है भी तो फ्री में दिया जाए। सर, तमाम जो डॉक्टर्स हैं, बड़े डॉक्टर्स हैं, उन्होंने वैक्सीन लगवाई है, तो क्या उनका भरोसा काफ़ी नहीं है? भरोसा काफ़ी होता तो दुनिया के नेता लोग कैसे पहले अपने को लगवाए हैं? वहाँ डॉक्टर नहीं है, और फिर आप ही कह रहे कि अफवाह फैला हुआ है। आज अखबार पढ़े आप, एक अखबार में है कि एक आदमी का लगा, उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई। डॉक्टर कह रहे हैं कि हार्ट अटैक से हुई, परिवार के लोग कह रहे हैं कि उससे, यही ना सब विवाद है, मुरादाबाद में यही सब विवाद है। विवाद की बात तो आपने नहीं किया, मैं तो नहीं किया, तो विवाद इसीलिए है कि जैसे मैं नेता विरोधी कर रहा हूँ, अगर मैं लगवा लूँ पहले तो इनको कोई डर नहीं होगा, इनको कोई डर नहीं होगा, उनको कोई डर नहीं होगा। आपका ब्यूरो चीफ लगा ले, आपका संपादक लगा ले, तो आपको कोई डर नहीं होगा। तो लोग कुछ डरे हुए भी हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कह रहे हैं, मैं भी कह रहा हूँ कि देश के डॉक्टर वैज्ञानिकों ने मिलकर के जो इसको याद किया है, उस पर थोड़े किसी को ऐतराज़ है। आपको क्या लगता है जो भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हमारा वैक्सीन किसी पार्टी का नहीं होता, किसी सरकार का नहीं होता, देश के वैज्ञानिकों डॉक्टरों ने इसको याद किया, आपको क्या लगता है, क्या संदेश देना चाहते हैं? भरोसा करना चाहिए वैज्ञानिकों पर, वैक्सीन पर भरोसा करना चाहिए? वैज्ञानिकों, हम लोग वैज्ञानिकों पर भरोसा है, लेकिन इसलिए मैंने कहा कि पहले प्रधानमंत्री जी को लगवाना चाहिए था कि देश की जनता को तुरंत विश्वास हो जाए। दूसरा सवाल